संत निरंकारी सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की 65वीं जन्म जयंती पर चलाया गया सफाई अभियान। रामपुर के जिला अस्पताल में आज लगभग 200 से ज्यादा सेवादारों ने संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन स्वच्छता और वृक्षारोपण अभियान के तहत सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की 65वीं जन्म जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और सफाई अभियान चलाकर अस्पताल की सफाई की। सेवादार ओपी आहूजा ने बताया कि ये 23 फरवरी को सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी का जन्मदिन हुआ करता है। उसके आदेश सदगुरु बाबा जी ने आदेश ही दिए थे कि हमें जो प्रदूषण है जो मन के अंदर और बाहर दोनों की सफाई करनी है। उसके तहत जो आदेश हमें आया मंडल से कि 23 फरवरी को आपने जिला चिकित्सालय की सफाई करना है और सफाई पूरी इस तरह से करनी है ताकि एक समाज में मैसेज आए कि निरंकारी मिशन जो है ये सामाजिक सेवा भी करता है। ये सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज के जो क्रिया कर उन्होंने सिखाया वो कर रहे हैं। आज सदगुरु बाबा सुदीक्षा जी हैं, दोनों ने मंडल से ये आदेश भेजा है। आज के मौजूदा जो अवतार हैं गुरु हमारे सुदीक्षा जी हैं, माता सुदीक्षा जी, ये आदेश मंडल से ही आया और पूरे भारतवर्ष के अंदर सभी जिला चिकित्सालय में सफाई हो रही है। जनपद रामपुर के बिलासपुर, शाहबाद और ढकिया। 23 फरवरी सदगुरु बाबा जी का जन्मदिन होता है, जन्मदिन मनाने का मंडल ने ये निर्णय लिया। इसी रूप में मनाया जाता है कि सफाई पब्लिक को ये मैसेज दिया जाता है समाज के अंदर कि हम अपने मिशन के अलावा साथ समाज की भी सेवा करते हैं। और निरंकारी मिशन जो है एशिया का नंबर 1 ब्लड डोनर है, ये भी आप लोगों को जानकारी दी जाती है। और विभिन्न जगहों पर ब्लड कैंप भी लगे, ब्लड डोनेशन कैंप लगेंगे जो संभवतः अप्रैल के माह में लगेंगे। लगभग कितनी संख्या में लोग आपके साथ में हैं इस सफाई अभियान में? यहाँ पे तो कम से कम 200 हमारे सेवा दल है, मान 200-250 महात्मा बहने हैं, सब मिलकर इस सेवा में लगे हुए हैं। पूरे भारत में चल रहा है, जनपद रामपुर की सभी तहसीलों में चल रहा है, शाहबाद, ढकिया, बिलासपुर, उसके क्लिप आगे मिलक वगैरह सब जगह है, जहाँ जहाँ हमारी ब्रांच है सब जगह चल रहा है। कम से कम नहीं तो रामपुर के अंदर 1,000-1,500 वॉलंटियर जो है सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज को गुरु मानव अनुयायी जो है वो ये सेवाएं कर रहे हैं।